गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। स्टूडेंट्स, चाहे से आप लोग CMA फाइनल के अंदर है तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और चाहे से आप CA कर रहे हैं या CS कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ये चैप्टर कंपटीशन एक्ट 2002 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दू, मैं आपको चैप्टर तो पढ़ाऊंगा ही, उसके अलावा हर टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि हम जो क्लास अभी पढ़ रहे हैं उसी में आपको सब कुछ लर्न हो जाए, याद हो जाए, जिससे दोबारा से आपको घर पे अपना टाइम ना खराब करना पड़े। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो मैं जो भी क्लास, चाहे से मैं आपका लॉ पढ़ा रहा हूं, चाहे से ऑडिट पढ़ा रहा हूं, चाहे से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है या OMSM ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया उस चैप्टर से, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लें, उससे आपका स्कैनर भी सॉल्व हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि आखिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते कैसे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हमारे चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर कॉम्पिटिशन का मीनिंग क्या होता है, फिर हम बाद में समझेंगे कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में क्यों आया, क्यों लाया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्पिटिशन? देखिए स्टूडेंट्स, कंपटीशन ना एक सिचुएशन होती है, कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सर्कमस्टेंस है जहां पर मार्केट सभी के लिए ओपन है, जहां कोई भी दुकानदार आकर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। मार्केट में किसी एक सेलर, एक दुकानदार, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री का कंट्रोल नहीं चल रहा है, उसकी दादागिरी नहीं है कि सिर्फ वही प्रोडक्ट बेचेगा, नहीं, मोनोपोली नहीं है किसी की, बल्कि कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन को शो करता है जहां पर मार्केट सभी के लिए ओपन है, मार्केट में बहुत सारे ग्राहक डोल रहे हैं, दुकानदार आए उन्हें अट्रैक्ट करें और अपना सामान उसको बेचे। ऐसा नहीं है कि एक ही दुकानदार सबको सामान बेचेगा, ना जी, ना, किसी की मोनोपोली नहीं है भैया। कंपटीशन तो उस सिचुएशन को शो करता है जहां पर हर कोई बंदा आकर अपने प्रोडक्ट को इजीली बेच सकता है, कस्टमर को जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही लगती है, जिसके प्रोडक्ट की प्राइस उसे रीजनेबल लगती है, ग्राहक उसका प्रोडक्ट खरीद लेगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है। अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो सिर्फ एक ही दुकानदार रहेगा, एक ही सेलर रहेगा, वो अपनी मनमानी चलाएगा, वो मोनोपोली का मजा लेगा मार्केट में, 10 रुपए के प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचेगा, बेकार क्वालिटी का बेचेगा। इसीलिए कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन को शो करता है जहां पर मार्केट सबके लिए ओपन है, कोई भी आकर कस्टमर को अपना सामान बेच सकता है, कस्टमर के पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कंपटीशन है वो हमेशा हमेशा ग्राहक के, हमारे खरीदार के, बायर के फेवर में रहता है, क्योंकि बायर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है ना, बनाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो मुझे जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा मैं उसका प्रोडक्ट खरीद लूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार आप स्क्रीन पर देखें, देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मार्केट में कोई भी फर्म या कोई भी सेलर इंडिपेंडेंटली आ सकता है
और आकर बायर्स को स्ट्राइक मतलब अट्रैक्ट कर सकता है और उनको सामान बेच सकता है। किसी एक की मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली नहीं होती किसी सिंगल सेलर की, बल्कि हर किसी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो बायर को अप्रोच कर सकता है और अपना सामान बेच सकता है। देखिए सपोज करिए स्टूडेंट्स, कंपटीशन ना मैंने आपको बोला बायर के फेवर में होता है। सपोज करो स्टूडेंट, अगर पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी मोबाइल बनाए, बाकी और कोई कंपनी है ही नहीं, सिर्फ एक कंपनी मोबाइल बनाए, तो आपको पता है जो मोबाइल आज हम 10,000 15,000 में खरीद लेते हैं ना, वो 1 लाख में बिकेगा, क्योंकि उस कंपनी को डर ही नहीं है कि कोई उसका कॉम्पिटिटर है। वो मजे लेगी, वो बायर को जितने में बेचना है उतने में बेचेगी। आप देखिए, जब जियो इंटरनेट का ये रिवॉल्यूशन नहीं लेकर आया था 2016 से पहले की हालत देखिए स्टूडेंट्स, 399 रुपीज में हमें महीने का रिचार्ज मिलता था, उसमें भी टोटल 1 GB मिलता था। आज हमें 1 GB पर डे मिल रहा है, बल्कि उससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जियो ने कंपटीशन लाया। कंपटीशन हमेशा बायर के फेवर में होता है, और वो एक ऐसी सिचुएशन को शो करता है जहां मार्केट सबके लिए खुला है, कोई भी आकर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। ऐसी सिचुएशन को हम कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन फेवरेबल बात होती है, बट कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मार्केट में अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो ये सही कंपटीशन है। अगर मैं मार्केट में ये बोलता हूं कि फलाने का प्रोडक्ट बेकार है तो ये सही कंपटीशन नहीं है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा कि कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन को शो करता है जहां पर हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, बायर को जिसका प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी जिसकी प्राइस सही लगती है बायर उसका प्रोडक्ट खरीद ले। आखिर कंपटीशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, देखो जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बायर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बायर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। बायर जब मार्केट में जाता है तब उसे सैमसंग का मोबाइल भी दिखता है, तब उसे रेडमी का मोबाइल भी दिखता है, तब उसे ओप्पो का मोबाइल भी दिखता है, तब उसे आईफोन भी दिखता है। तो कंपटीशन की वजह से कितने सारे उसके पास में ये ऑप्शंस आ गए, उसको जो अच्छा लगेगा वो परचेज कर ले। तो फर्स्ट पॉइंट कि कंपटीशन की वजह से बायर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सेकंड, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। उसकी बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ जाती है? उसकी बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ जाती है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो। देखिए अगर मार्केट में एक ही सेलर होगा, अगर मार्केट में एक ही दुकानदार होगा तो वो जिस प्राइस पे चाहेगा माल बेचेगा, तो बायर जो होगा ना वो चुप हो जाएगा, बोलेगा यार इससे कौन लड़े, अगर हम इससे लड़ लेंगे तो फिर हम सामान लेंगे किससे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं स्टूडेंट, मैं ना दिल्ली में जब कंपनी में जॉब करता था तो ये मेरा रूम था, और यह नीचे ना एक शॉप हुआ करती थी स्टूडेंट्स, नीचे एक शॉप हुआ करती थी, और आपको पता है 7 किलोमीटर तक के एरिया में वो अकेली ही शॉप थी जो रिचार्ज करती थी। उस टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं था तो रिचार्ज दुकान पे जाके करवाते थे मोबाइल, हम उसको रुपए दे देते थे। जैसे मैं गया उनके पास कि अंकल जी रिचार्ज कर दो 150 रुपीज का, वो रुपए ले लेता था और वो इवनिंग में रिचार्ज करता था। मैं उसे वो मॉर्निंग में रुपए दे के आया, वो इवनिंग में करता था, और हम उससे लड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि अकेला था, मार्केट में कंपटीशन ही नहीं था, तो हमारी बार्गेन करने की पावर उससे नहीं थी ना। तो हम ये बोल सकते थे जल्दी करो, ना हम ये बोल सकते थे अच्छी क्वालिटी दो, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे ना हम उससे बोल सकते थे प्राइस कम करो, क्योंकि हमारी बार्गेनिंग की पावर नहीं थी। हमें पता था ये नाराज हो गया तो भैया फिर हाथ से सब कुछ चला गया, फिर हम कहां पर जाएंगे, फिर हमें 7 किलोमीटर आगे जाकर किसी नई दुकान पे जाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में अगर दुकानें बहुत सारी है, मार्केट में अगर कंपटीशन बहुत सारा है, तो जो बायर यहाँ पे खड़ा है उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। अब जब बायर इस दुकानदार के पास जाएगा, ये दुकानदार उससे अच्छे से बिहेव करेगा, बहुत अच्छे से सर्विस देगा, क्योंकि इस दुकानदार ने अगर बदतमीजी करी या नाटक निगुर करा तो बायर यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा,
बार्गेनिंग की पावर बढ़ गई। वो अब इससे थोड़ी प्राइस भी कम कर सकता है, इसको पता है कि यार मार्केट में कंपटीशन है, कम प्राइस पे बेच दो भैया, नहीं तो बायर निकल जाएगा, खरीदार हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो कंपटीशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तो ऑप्शंस आ जाते हैं बायर के पास, दूसरा उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तीसरा उसके पास में अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, अगर मार्केट में ना दुकानदार बहुत है, अगर मार्केट में दुकानदार बहुत है, तो जैसे आज मैं अपनी बात करूं, सपोज करो कि लॉ पढ़ाने वाला या फिर ऑडिट, मैं जो जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ, ऑडिट पढ़ाता हूँ, ओएमएसएम पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ाता हूँ, टैक्स पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला मैं अकेला होता तो मुझे पता था कि बच्चा एट लास्ट हंसी खुशी या नाराज होकर कैसे भी आएगा तो मेरे पास में कैसा भी पढ़ा देता हूँ, क्या जा रहा है। लेकिन मुझे पता है मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, मुझे अगर मार्केट में मेरा नाम टिकाए रखना है तो उसके लिए मुझे क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जब चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट कराया, हाथ किया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करवा दिए, हर संडे को टेस्ट लिया। जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास परचेज करते उनके लिए वीक में 3 times क्वेरी क्लासेस रखता हूं मैं, है ना, और संडे को टेस्ट होता है, नोट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर अमेंडमेंट टाइम पर किए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब देखो क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए, इसीलिए मुझे अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ रही है। फायदा किसका है, आपका, क्योंकि आपके पास में क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो बार्गेनिंग की पावर पड़ी, ऑप्शंस बहुत सारे हो गए, क्वालिटी प्रोडक्ट हुआ, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, और मार्केट में हेल्दी कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा ना बच्चों, तो फिर उस केस में जो व्यक्ति अभी है, जो सामने बेच रहा है, वो अपनी मनमानी समझ लेगा, वो अपने राज समझ लेगा। जैसे आप देखिए, किसी टाइम पर कांग्रेस जो गवर्नमेंट चलती थी आज से कुछ सालों पहले, उसके सामने कोई भी पार्टी बड़ी नहीं थी, बीजेपी उसके सामने उस वक्त बड़ी पार्टी नहीं थी, और दूसरी तो कोई थी भी नहीं। तो कांग्रेस में जो चल रहा था वो हमेशा से चलता रहता था, लेकिन आप देखिए स्टूडेंट, 2014 से बीजेपी एकदम से मोदी जी के राज में, मोदी जी के कंट्रोल में, मोदी जी के नाम की वजह से एकदम से पावर में आई, और बहुत ही ज्यादा आई, लोग पसंद करने लगे। तो कांग्रेस अब कम हो गई, लेकिन अब भी हर कोई ये जानता है कि एक विपक्ष होना चाहिए, एटलीस्ट वन विपक्ष तो होना चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटर कोई तो होना चाहिए। क्योंकि अभी तो बीजेपी काम कर रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में अगर बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि यार मैं तो अकेली अपनी मोनोपोली चलाऊं मार्केट में और मेरे सामने तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो हो सकता है वो लथार्जिक हो जाए, वो काम ना करें, उनको उनके ऊपर घमंड हो जाए, हो सकता है। तो मार्केट में हमेशा कॉम्पिटिशन होना जरूरी है। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आपने अगर ध्यान दिया हो स्टूडेंट्स, पहले नोकिया का मोबाइल बहुत चलता था, लेकिन नोकिया ने खुद में कभी सुधार नहीं किया, ना तो खुद की क्वालिटी बढ़ाई, क्यों, उसे ऐसा लगता था मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। ब्लैकबेरी स्टूडेंट्स, आईफोन का नाम नहीं था, ब्लैकबेरी इंडिया में इतना चलता था, लोग व्हाट्सएप की जगह बीबीएम यूज किया करते थे उस वक्त, ब्लैकबेरी जिसके पास था वो हाईफाई आदमी माना जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी क्वालिटी नहीं सुधारी, इनको लगने लगा कि हमारा एक छत्र राज है, इन्होंने सामने वाले कॉम्पिटिटर को नहीं समझा कुछ भी, और ना ही कस्टमर को ज्यादा ऑप्शंस दिए, जैसा बेच रहे थे वैसा बेचते रहे। नोकिया एंड्रॉइड पर आया नहीं उस वक्त, तो खत्म हो गए, और जो नए मोबाइल आए रेडमी के या ओप्पो के, इन्होंने क्या किया, इस पे अच्छी क्वालिटी देना स्टार्ट किया। आज सबसे ज्यादा यही मोबाइल सेल आउट हो रहे, क्योंकि सस्ता मोबाइल है, अच्छी क्वालिटी देता है, अच्छा कैमरा, ऑल दैट जो जरूरत की चीजें है वो सब कुछ मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कंपटीशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मार्केट सबके लिए ओपन है और कोई भी आकर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है।
मार्केट में कंपटीशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि बायर का फायदा होता है, एट लास्ट बायर का फायदा होता है। बायर को ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं, बायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, सेलर जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है, अच्छी एफिशिएंसी से काम करता है, और मार्केट में हेल्दी कॉम्पिटिशन होना हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, तभी जाकर हम बायर को सही प्रोडक्ट सही प्राइस पर मिलना स्टार्ट होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का कि आखिर कंपटीशन एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और कब हुआ, है ना, व्हाई एंड व्हेन, ये दो क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम इनका आंसर देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ध्यान से देखें आप लोग। स्टूडेंट्स पहले ना एक कहानी सुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब समझ आएगा, बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी है, मजा आएगा इस कहानी में, ध्यान से सुनिए। देखो इंडिया ना आजाद हुआ 1947 में, 1947 में इंडिया फ्री हो गया, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया स्टार्ट हो ही गया था 1946 से, ठीक है स्टूडेंट्स। नवंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था। तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो रखा गया फंडामेंटल राइट्स जो कि एनफोर्सेबल थे, मतलब वो राइट्स सबको मिलते थे, और अगर किसी, जैसे मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अगर कोई मेरे को यूज नहीं करने दे रहा है तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता। स्टूडेंट्स साथ में एक चीज और रखी गई थी, वो था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लीगली बाइंडिंग नहीं थे स्टूडेंट्स, आज भी नहीं है, तब भी नहीं थे। फिर ये क्यों बनाए गए थे? क्योंकि इनके अंदर ना कुछ बातें लिखी हुई थी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनके अंदर कुछ बातें लिखी गई थी बच्चों, और ये वो बातें थी जो वेलफेयर को प्रमोट करती, सोशल वेलफेयर को। हालांकि ये लीगल बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन भारत में जब भी कोई कभी कानून बनाया जाता है ना, तो कानून बनाने से पहले इन डीपीएसपी को एक बार पढ़ा जाता है, क्योंकि ये एक रेफरेंस देते हैं कि कोई भी कानून जब बनाया जाए तो उसमें किन बातों को ध्यान रखा जाए। और डीपीएसपी हमेशा सोशल वेलफेयर की बात करते हैं कि लोगों का ध्यान रख, लोगों का फायदा कराना ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स 1947 में भारत आजाद हुआ, फंडामेंटल राइट्स के साथ में डीपीएसपी बनाए गए, और उस डीपीएसपी में ये लिखा गया कि भारत का जो मार्केट है, क्योंकि अभी अभी हम फ्री हुए हैं, तो आपको पता होगा उस वक्त हमें ग्लोबलाइजेशन के टाइम तो था नहीं, उस वक्त इंडिया को यह डर लगा हुआ था कि अभी अभी तो अंग्रेज हम पे कंट्रोल करके गए हैं, अभी हमने उनको यहां से भगाया है, अब हम सिर्फ भारत में ही अपना मार्केट करेंगे, तो हम जो बेचेंगे और खरीदेंगे वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही बेचा और खरीदा जाएगा, हम फॉरेन की किसी भी कंट्री से कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो डीपीएसपी में लिखा हुआ था कि इंडिया के अंदर जो भी मार्केट चलेगा, जैसा भी चलेगा, उसके लिए एक एक्ट बना दो कि इंडिया में व्यापार कैसी होगा, इंडिया में किसी का नुकसान ना हो, एक भारतीय दूसरी भारतीय का नुकसान ना कर दे। तो भारत में मार्केट में व्यापार बिजनेस कैसा चलेगा, इसके लिए डीपीएसपी में लिखा हुआ था कि एक कानून बनाया जाए, और तब कानून बनाया गया बच्चों एमआरटीपी एक्ट। तो याद रखिएगा, अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या डायरेक्टली कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपको लिखना है कि सबसे पहले कंपटीशन के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1969 में एमआरटीपी एक्ट बनाया गया था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि डीपीएसपी में लिखा हुआ था, ये एक तरह से सोशल वेलफेयर के नाम पर बनाया गया था, और इसको बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि इंडिया भारत आजाद ही हुआ था उस वक्त
और ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन आया ही था उस वक्त, और हम बाहर की कंट्रीज से ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, मार्केट नहीं कर रहे थे, सिर्फ इंडिया में माल खरीदा और बेचा जाता था, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। लेकिन स्टूडेंट्स, जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस 1991 में हुआ और बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में आने लगे, तब हमको बच्चों ये महसूस हुआ कि हमारा ये जो एमआरटीपी एक्ट बनाया हुआ है 1969 के अंदर, जो हमने एमआरटीपी एक्ट बनाया है, वो सिर्फ हमने इंडिया के अंदर धंधा करने के लिए बनाया था। उसके अंदर इंडिया और फॉरेन के बीच में बिजनेस करने का ज्यादा प्रोविजंस नहीं लिखा हुआ। तो पहले तो ये इंडिया में सही चल रहा था, लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, बाहर की कंट्रीज इंडिया में आकर बिजनेस करने लगी, तो एमआरटीपी एक्ट जो है वो इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था, एडिक्वेट नहीं था कि वो सभी तरह के रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस अपने अंदर इंक्लूड करता हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि एमआरटीपी एक्ट को हमने ग्लोबलाइजेशन से पहले बनाया था सिर्फ इंडिया को ध्यान में रखकर, और जब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो बाहर के लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगे, तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो इंडिया को एक तरह से दोबारा से लूट रहे थे, वो अपना फायदा देख रहे थे। हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में बना हो और इंडिया और फॉरेन के बीच में जो मार्केट में बिजनेस चल रहा है उसको इजिली कवर कर सके, उसके अंदर सभी रूल्स रेगुलेशन आए जो कि ग्लोबलाइज लेवल पर पूरे मार्केट को संभाल सके। और तब जाकर स्टूडेंट्स हमें ये जरूरत महसूस हुई और 2002 में कंपटीशन एक्ट लाया गया, वरना कंपटीशन के नाम पे हमने 1969 पे एमआरटीपी एक्ट लाया था, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन से पहले का था, वो डीपीएसपी की वजह से लाया गया था, वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के लाया गया था, वो सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस करने को ध्यान में रख के लाया गया था, लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में और पूरा ग्लोबलाइज लेवल पर मार्केट में बिजनेस होने लगा, ट्रेडिंग होने लगी, और तब हमें लगने लगा कि हमें एक ऐसा एक्ट चाहिए जो कि इंडिया और फॉरेन के सभी रूल्स रेगुलेशंस को इंक्लूड करता हो, तब जाकर हम 2002 में कंपटीशन एक्ट लेकर आए बच्चों। तो स्टूडेंट बोलता है, सर यहां तक की आपकी बात मुझे समझ में आ गई, अभी तक आपने जो इस चैप्टर में पढ़ाया, सर आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ाया, कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट ओपन रहता है और कोई भी बंदा आकर अपना माल बेच सकता है, और कंपटीशन बायर के फेवर में रहता है, कंपटीशन हमेशा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मैं अपने प्रोडक्ट की तारीफ करूं लेकिन मैं दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई ना करूं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कंपटीशन एक्ट आखिर भारत में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। अब हम चलते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो बच्चे बोलते हैं, सर आपने तो बोला था कि जैसे ही आप कोई टॉपिक करवाओगे तो हाथ की हाथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व करवाओगे। बच्चे ये जो दो टॉपिक हमने पढ़े ना, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उद्देश्य थे, उससे रिलेटेड ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा बच्चों का। ठीक है, अभी हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। देखिए बच्चों, एक बात ना बहुत ध्यान से समझ, जब भी कभी भी कोई भी एक्ट, लॉ, कानून आता है तो कुछ ना कुछ पर्पस की वजह से आता है, वरना क्यों लेकर आए उसको। काम तो हमारा पहले भी चल ही रहा था ना, पर हमारे कुछ नए एम थे, कुछ पर्पस थे, कुछ उद्देश्य थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हमें अचीव करने थे, उसके लिए हम एक नया कानून लेकर आए। पर हमेशा हर एक्ट किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी उद्देश्य, पर्पस, एम की वजह से आता है। तो ऑब्वियस बात है, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया तो उसके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होंगे। वो क्या थे बच्चों, वो क्या थे, ध्यान से देखें। मार्केट के अंदर अगर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस हो रही है जो कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालती है तो उसको रोक देना। सर इसको समझाओ थोड़ा अच्छे से, फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझाओ, मैं समझा देता हूं बच्चों। देखो क्या होता था पहले ना, मार्केट में
गलत तरीके की प्रैक्टिसेस चलती थी, जिसकी वजह से बायर का भी नुकसान होता था और छोटे मोटे दुकानदारों का भी नुकसान होता था। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ एक बच्चों को, दिल्ली की रियल स्टोरी है। दिल्ली की, दिल्ली में ना एक पब था, पब जानते हैं ना आप, डिस्को पब बार, जहां पर एल्कोहल लिकर भी मिलता है, डांस भी होता है, जूसेस का ना मतलब बड़ा जो होता है, बहुत चलता था वो, बहुत चलता था। तो समझो ये है वो पब, बहुत चलता था। उस पब के थोड़ी सी दूर, मतलब ये पब यहां पर है, तो थोड़ी सी दूरी पर यहां पर एक नया पब ओपन हुआ। ये तो प्रॉपर बहुत बड़ा था, क्योंकि ये तो कंपनी ने खोला हुआ था, पैसा लगाया हुआ था, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। अंदर जाओ तो ऐसा लगता था वाह भाई वाह। एक नया पब ओपन किया एक लड़के ने, इंजीनियर था, उसने नया पब ओपन किया। पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगाया उसने, लेकिन इनोवेशन बहुत किया। तो कोई भी बंदा अंदर जाता था ना, उसको लगता था वाह यार, अंदर घुसते ही नीचे पानी है, ये वो, मतलब बड़ा इनोवेटिव सा बनाया उसने। और प्राइसेस उसकी बहुत कम थी, तो जो कस्टमर पहले इस पब में जा रहे थे वो यहां शिफ्ट होने लगे। इस कंपनी वाले ने क्या किया, इस कंपनी वाले ने इस नए पब के सामने अपना एक और पब खोल दिया और वहां फ्री में प्रोडक्ट बेचने लगा। जो भी अपना पूरा सामान था फ्री में बांटने लगा, आओ और अनलिमिटेड खाओ पियो, नाचो गाओ और जाओ। इस बंदे ने अपनी अच्छी क्वालिटी को और अच्छी किया, खूब अच्छी किया, लेकिन फ्री के सामने कैसे टिकेगा कोई, फ्री के सामने कैसे टिक जाएगा। जहां आपको कुछ फ्री मिल रहा है, फ्री में जाएगा ना दुकान, ग्राहक तो यही सोचेगा ना कि मेरा फायदा हो जाए, मैं तो फ्री में ही चला जाता, तो फ्री में जाने लगे। इसने सरवाइव करने की कोशिश करी 1 साल तक, पर एट लास्ट हार गया, क्योंकि इसके पास तो लिमिटेड फंड्स थे ना, इसने तो जॉब करके थोड़ा पैसा कमाया, वहां पे धंधा शुरू किया। लेकिन इस कंपनी ने चालाकी कितनी खोली कि इसके धंधे को तोड़ने के लिए एक नया पब खोला, फ्री में बांटने लगे। इस बेचारे ने परेशान होकर अपना बंद कर दिया। स्टूडेंट, जिस दिन इसने अपना ये बंद किया, अगले दिन कंपनी ने भी अपना ये वाला नया जो ऑफिस था वो बंद कर दिया, और दोबारा से कंपनी फिर एक ही ऑफिस, मतलब एक ही जो उसका पब था वही चलाने लग गई। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसने कंपटीशन को प्रमोट नहीं किया और इसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। हम पढ़ेंगे आगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, डोमिनेंट पोजीशन, गलत फायदा, एडवर्स इफेक्ट होता है, गलत फायदा उठा लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे आपको बच्चों, कंपटीशन एक्ट आया कि ऐसी चीजें ना हो, अगर कोई फ्री में बांट रहा है ना तो उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया। जैसे जैसे जियो जो है ना, जियो जब फ्री में लेकर आया था तो जियो पहले 2-3 साल के लिए फ्री देने वाला था, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल लगाया गवर्नमेंट ने, और फिर करते 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 उसको 4-5-6 महीने 7 महीने के अंदर ही निपटा दिया जियो को कि आप इससे ज्यादा फ्री में नहीं बांट सकते हो, क्योंकि ये कंपटीशन एक्ट के अगेंस्ट में जा रहा है। क्योंकि कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट में जो भी मार्केट में गलत इफेक्ट हो रहा है, मतलब ऐसी कोई भी प्रैक्टिस चल रही है जो कॉम्पिटिशन के खिलाफ जा रही है, जो कॉम्पिटिशन को रोक रही है, ऐसी चीजों को प्रिवेंट करो, रोको। एग्जाम्पल के तौर पर एक और आता है बच्चों, कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार मैंने देखा कि एक टीचर था जो ना टैक्स पढ़ाता था, उसने क्या किया, उसने अपनी सिटी के अंदर जितने भी टैक्स पढ़ाने वाले टीचर्स थे ना, जितने भी टैक्स पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई और उनसे बोला कि आज से हम, अभी तक टैक्स की फीस 7,000 रुपये है, आज से इस सब्जेक्ट की फीस 7,000 नहीं रहेगी, बल्कि आज से इस सब्जेक्ट की फीस 30,000 हो जाएगी, अकेले टैक्स की फीस 30,000 हो जाएगी, और जितने भी टैक्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं सबके सब 30,000 रुपये फीस कर दो। तो इन्होंने क्या किया, इसे कार्टल बोलते हैं बच्चों, कार्टल, कि एक प्रोडक्ट को बेचने वाले
डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, है ना, सेलर, ये सब लोग मिलकर जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते, मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस है नहीं कि उसको उतना लेवल पर पहुंचाया जाए, लेकिन जब गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं और सब लोग मिल जाते हैं कि मार्केट में जब कोई स्टूडेंट कूदेगा और देखेगा यार मार्केट में तो टैक्स हर जगह 30,000 रुपए में पढ़ाया जा रहा है, फिर उसे मजबूरी में या तो 30,000 में ही पढ़ना पड़ेगा या अपने घर बैठना पड़ेगा। कार्टल, कॉम्पिटिशन को प्रमोट ही नहीं हो रहे देने हो तो। अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन होता तो हो सकता है अच्छा पढ़ाने वाला भी थोड़ा कम प्राइस पे पढ़ा रहा होता, उससे बायर का फायदा होता। तो ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, कोई कार्टल ना कर दे, एक प्रोडक्ट को बेचने वाले, बनाने वाले लोग, सप्लाई करने वाले लोग मिलकर उसकी प्राइस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करें। अगर उस प्रोडक्ट की सच में क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। अगर मैं आज चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, अगर मैं सब्जेक्ट अपना अच्छे से पढ़ाता हूं, तो मेरे सब्जेक्ट की फीस जो है वो अपने आप धीरे 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 बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चा बोलेगा हाँ यार ये पढ़ाता है। लेकिन आप उसे जबरदस्ती सबके साथ में मिलके बढ़ा दोगे एकदम से, और बच्चे की मजबूरी का फायदा उठाओगे, बायर की मजबूरी का, ग्राहक की मजबूरी का फायदा उठाओगे, तो ये कार्टल है, ये गलत है, ये कंपटीशन के खिलाफ जा रहा है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए ही कंपटीशन एक्ट लाया गया था, क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट डालता है कॉम्पिटिशन पे, उल्टा इफेक्ट डालता है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। दूसरा, मार्केट में कॉम्पिटिशन बना रहे, मार्केट में कंपटीशन सस्टेन रहे, क्योंकि मैं आपको बार बार समझा चुका हूं बच्चों, हर बार समझा चुका हूं मैं आपको कि मार्केट में अगर कंपटीशन रहेगा तो बायर का फायदा होगा। मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं रहेगा, बच्चों याद रखना, याद रखना, अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा ग्राहक का नुकसान होगा, दुकानदार अपनी मनमर्जी चलाएगा, क्योंकि उसे डर नहीं होगा कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है। तो पहला, एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए, दूसरा कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए, तीसरा कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा भी तो इंटरेस्ट बनता है ना, हमारा भी तो ये हक बनता है ना कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदें, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा जब कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा और रीजनेबल प्राइस पे बिकेगा। और इसके अलावा ट्रेड की फ्रीडम होनी चाहिए, हम जहां जाए मार्केट में जाकर बेच सके। ऐसा नहीं हो कि एक मार्केट जो है उसके अंदर ये हो कि भैया ये बंदे ही माल बेचेंगे, फिर तो हम एंटर ही नहीं हो सकते ना कभी। मार्केट फ्री होना चाहिए, कंपटीशन एक्ट बोलता है मार्केट सबके लिए फ्री है, आओ अपना माल बेचो, अगर तुम्हारे माल में दम है, तुम्हारी क्वालिटी में दम है, तुम्हारी प्राइस रीजनेबल है, लोग तुमसे खरीदेंगे। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव है जिनकी वजह से कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया। स्टूडेंट्स मेरे से ये बोलते हैं, बोला चलो सर आपकी बात हम मान लेते, आपकी बात हम ये मान लेते हैं कि कंपटीशन एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि कंपटीशन के अगेंस्ट में जो प्रैक्टिसेस है उनको रोक दो, कंपटीशन को बढ़ावा दो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, और मार्केट में फ्रीडम ला दो जिससे कोई भी बंदा अपना माल बेच सके, इसलिए लाया गया कंपटीशन एक्ट, समझ गए सर हम। लेकिन क्या सर आपको नहीं लगता कि कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए सर, एक ऐसी अथॉरिटी जो ये चेक करे कि ये सब ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कहीं कोई इन ऑब्जेक्टिव को ब्रीच, वायलेट, तोड़ तो नहीं रहा, इनके अगेंस्ट में तो काम नहीं कर रहा। एक अथॉरिटी हो जो नजर रखे और उसे लगे कि कोई गलत कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाए, कोई तो कंट्रोलिंग पावर हो सर। सिर्फ बोल देने से लोग थोड़ी ना मान जाएंगे, एक्ट बना देने से लोग थोड़ी ना मान जाएंगे, कोई अथॉरिटी भी तो लाओ। तो लाए यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, लेकर आ गए भैया हम अथॉरिटी, टेंशन ना लो यार। उस अथॉरिटी का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में उसको हम CCI बोलते हैं। 14th अक्टूबर 2003 को ये अथॉरिटी आ गई, 2002 में एक्ट आया, एक साल के अंदर अंदर आपकी ये अथॉरिटी बना दी गई जिसका काम था कि ये ऑब्जेक्टिव पूरे फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे उनको अच्छे से चेक कर। उसके अलावा बच्चों ये और याद रख लेना, ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कुछ सालों पहले बच्चों हम जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करते थे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के हिसाब से स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, स्टेटस मिला हुआ था,
और जम्मू एंड कश्मीर के अलग ही प्रोविजन चलते थे, लेकिन आपको ध्यान होगा कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया और उसके हिसाब से अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है और उसके लिए अलग से अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। इसलिए बच्चों, चाहे से कॉम्पिटिशन एक्ट है, चाहे से कोई दूसरा एक्ट है, हर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है जैसे पूरे भारत पर एप्लीकेबल। स्टूडेंट बोलता है, सर अभी तक आपने जो पढ़ाया वो मुझे समझ में आया। आपने बोला कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मार्केट इंडिपेंडेंटली सबके लिए ओपन है, वहां किसी की मोनोपोली नहीं होती और कंपटीशन एक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी जिससे प्रोडक्ट एफिशिएंटली बने, अच्छी क्वालिटी का बने, बायर्स के लिए बायरिंग पावर बढ़ जाए, उनके पास में ऑप्शन बढ़ जाए और मार्केट में कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे। सर पहले MITP एक्ट 1969 में लाया गया, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया तब ये इनफ नहीं लगा, तब हमें एक नए एक्ट की जरूरत महसूस हुई जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बिजनेस को संभाल सके, तब जाकर हम कंपटीशन एक्ट लेकर आए सर 2002 में। उसके बाद में नेक्स्ट आपने पढ़ाया कि कंपटीशन एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए 2003 में एक अथॉरिटी बनाई गई जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कंपटीशन एक्ट के अंदर ये मेन अथॉरिटी होती है और कंपटीशन एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये एंश्योर करती है। अगर कोई उन ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जा रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है। और हमारा ये कॉम्पिटिशन एक्ट है ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता है। आ गया सर समझ में? आ गया भैया? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। स्टूडेंट्स यहां पर जनरली बच्चा मात खा जाता है, वो पढ़ता नहीं है क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी में कर देता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब देखो इसमें टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम, नहीं ये तो था, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, देखो ये तो था। दूसरा टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन इन मार्केट, नहीं, प्रिवेंट नहीं, टू प्रमोट, भाई कॉम्पिटिशन को तो हमें बढ़ावा देना है ना, इंक्रीज करना है, प्रमोट करना है, प्रिवेंट थोड़ी करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था बच्चों। हम कंपटीशन को हमेशा बढ़ावा देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखना है प्रमोट करना ना कि प्रिवेंट करना, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, कंपटीशन क्या होता है, उसकी नीड क्या है, उसके कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसकी मेन अथॉरिटी है, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब आता है कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सर, जो कंपटीशन एक्ट के अंदर मेन अथॉरिटी है आपने बताया सर, इसको एस्टेब्लिश कौन करता है, इसको बनाता कौन है? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है सेक्शन 7 के अंदर। सर कैसे बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक नोटिफिकेशन दे देती है ऑफिशियल गैजेट में। सर ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? सरकारी रजिस्टर। देखो बड़े आधा सिंपली समझो, दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल है, दिल्ली के अंदर सरकारी रजिस्टर रखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगता है कि मुझे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बना देना चाहिए, स्टैब्लिश कर देना चाहिए, या उसके अंदर के लोगों को चेंज कर देना चाहिए, तो फिर उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सरकारी रजिस्टरों में नोटिफिकेशन पास कर देती है। और एक बार नोटिफिकेशन पास हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू तो फिर वो पत्थर की लकीर है, वो माना जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सेक्शन 7 के अंडर में करती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके करती है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये आखिर है क्या? अरे ये एक तरह की कंपनी है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी
कॉरपोरेट मतलब एक बिल्डिंग है, मतलब एक संस्था है, मतलब एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। सर एक बात बताओ, हमने कंपनी लॉ में आपने हमें ये पढ़ाया था, जो कंपनी पढ़ा रहे, कंपनी के बारे में पढ़ा रहे थे आप कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी खुद की कॉमन सील होती है, खुद के पास सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ सब 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 ये सब चीजें इस कमीशन के पास होती है, क्योंकि कमीशन भी एक तरह की कंपनी है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये बॉडी कॉर्पोरेट है और इसके पास में कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी और के नाम पे केस फाइल कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। और ये जो कमीशन है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, ये कंपनी लॉ के प्रोविजंस को तो मानती मानती है, सेबी एक्ट के प्रोविजंस को भी मानती है। तो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बोलता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अभी तक मेरे को आपकी ये बात समझ में आई कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक तरह की कंपनी है, कंपनी के हर कैरेक्टरिस्टिक उसके पास में है, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है वो कंपनी लॉ के प्रोविजंस को मानती है, सेवी एक्ट के प्रोविजंस को मानती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है, नोटिफिकेशन पास करके स्टेब्लिश करती है। सर मुझे बताइए, ये जो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका जो हेड ऑफिस होता है, मेन हेड ऑफिस, वो कहां पर होगा, ये कौन तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा सर सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सीसीआई का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली हो जाएगा। सर कुछ सालों बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है, मुंबई है, तो मुंबई हो जाएगा यार। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि सीसीआई का हेड ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकते, कर सकती है यार। तो सर अगर कुछ सालों बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला पुणे, तो कर लो ना यार भाई। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जयपुर, अरे कितनी बार बोलू, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम हेड ऑफिस बता सकती है। सिर्फ हेड ऑफिस ही नहीं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसके जो बाकी के कंपटीशन के जो अदर ऑफिसेज है, यू नो, मेन हेड ऑफिस तो एक हो गया, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी दिल्ली जहां चाहे उस प्लेस पे रखे, परमानेंट भी रखे या चाहे तो बदल दे सालों साल, और उसके अलावा जो बाकी के ऑफिसेज है उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए सर अभी तक मुझे समझ में आ गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, हेड ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अदर ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेसिव कॉमन सील सब उसकी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक उसके पास में है, वो कंपनी लॉ और सेबी एक्ट के अंदर आती है। आ गया सर समझ में, इजी सा तो है, क्या बता रहे हो यार, आ गया आ गया। तो चलो फिर आगे वाले प्रोविजन पर चलते हैं फिर हम। सेक्शन याद रख लेना बच्चों, ये जो नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये पीपीटी वाले नोट्स बड़े इजी लग रहे हैं हमको, क्योंकि आपने अच्छे से बनाया हुआ है, मॉड्यूल में थोड़ा गिचपिच है तो पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो बच्चों ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है ना, मोहित बंसल क्लासेस, देखो ये जो दिख रहा है आपको नीचे, इस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ कमीशन। स्टूडेंट मेरे से बोलता है सर आपने पहले मुझको ये बताया कि आपने यहाँ पे तो मुझको ये बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसको ध्यान रखने के लिए अथॉरिटी बना दी, फिर आपने ये बताया इस अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती। सर ये भी तो बता दो इसके अंदर कितने लोग बैठते हैं। अरे यार देखो, एक तो इसके अंदर चेयरपर्सन बैठता है। सर चेयरपर्सन क्यों बोला आपने, चेयरमैन क्यों नहीं बोला? अबे यार क्योंकि अगर मैं चेयरमैन बोल दूंगा ना तो सिर्फ वो मैन हो जाएगा, फिर से वो मैन के लिए ऑक्यूपाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वुमेन भी तो हो सकती है ना भाई, इसलिए चेयरपर्सन बोल रहा हूँ। मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, जो चेयरपर्सन है ना वो एक चेयरपर्सन हो गया, बाकी के मेंबर्स होते हैं। सर कितने, दो से कम नहीं हो सकते, छह से ज्यादा नहीं हो सकते, कम से कम दो मेंबर होने जरूरी है, मिनिमम टू मैक्सिमम सिक्स लिखा हुआ है। तो ठीक है सर मुझे समझ में आ गया, सेक्शन 8 हमारा ये बोलता है
कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक चेयरपर्सन होगा, मैन या वुमेन कोई भी जो भी है, मेंबर्स होंगे कम से कम दो, लेकिन छह से ज्यादा नहीं। सर इनको अपॉइंट कौन करता है? अबे यार कितनी बार बताऊं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को किसने बनाया? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। उसके अंदर के लोगों को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का करता धरता माई बाप सेंट्रल गवर्नमेंट है, बात खत्म। ठीक है सर, आ गया सर समझ में, चलो आ गया। लेकिन सर एक बात बता दो सर, पूछो सर, जैसे मैं बनना चाहता हूँ सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चेयरपर्सन या मेंबर, ऐसे बन सकता हूँ क्या? ऐसे नहीं बन सकते। कोई भी जाकर उसका चेयरपर्सन या मेंबर नहीं बन सकता। तो सर कौन बन सकता है? वो बन सकता है जिसको कम से कम 15 साल एटलीस्ट, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, अब भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। वो पर्सन जिसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है। सर किस बात का एक्सपीरियंस? इंटरनेशनल ट्रेड में काम करने का, प्लस इकोनॉमिक्स में, प्लस बिजनेस की फील्ड में, प्लस कॉमर्स की फील्ड में, प्लस लॉ की फील्ड में, प्लस फाइनेंस की फील्ड में, अकाउंटेंसी की फील्ड में, मैनेजमेंट की, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर या कॉम्पिटिशन मैटर्स, इनमें से किसी ना किसी फील्ड में उसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर सब में, अरे सब में थोड़ी ना यार, सब में पॉसिबल हो सकता है क्या? एक आदमी कॉमर्स में भी काम कर रहा है, लॉ में भी काम कर रहा है, कॉम्पिटिशन में भी, ऐसे नहीं होता यार। ये जितनी भी फील्ड लिखी हुई है इनमें से कम एक फील्ड में तो उसको 15 साल हो ही गए हैं एटलीस्ट काम करते हुए, प्लस वो बंदा एबिलिटी का हो, एबल होना चाहिए, इंटीग्रिटी, मानवता वाला, हाई इंटीग्रिटी, हाई मोरल्स वाला आदमी होना चाहिए, लचा पुच्चा सा आदमी नहीं होना चाहिए, उसकी सोच, उसकी मोरलिटी होनी चाहिए, स्टैंड, अपनी बातों को स्टैंड लेता हो, है ना, मार्केट में उसकी भी एक इज्जत हो, और कम से कम 15 साल का उसे एक्सपीरियंस हो, स्पेशल नॉलेज हो उसे कम से कम 15 साल। तो अभी तक मैंने बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक चेयरपर्सन होता है, मेंबर्स होते हैं कम से कम दो, मैक्सिमम छह से ज्यादा नहीं हो सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, वही बंदा चेयरपर्सन या मेंबर बनेगा जिसको कम से कम 15 साल का नॉलेज है इनमें से किसी भी एक फील्ड में, प्लस वो एबिलिटी, इंटेग्रिटी और स्टैंडिंग वाला पोजिशन है, अपने बात का स्टैंड होता है। सर मुझे ये बताइए, ये जो चेयरपर्सन और मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, सर ये पार्ट टाइम अपॉइंट होते हैं कि फुल टाइम? अभी फुल टाइम, ऑल टाइम बेसिस, फुल टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं ये, ऑल टाइम बेसिस। तो सर अभी तक आपने देखो मुझे क्या क्या पढ़ाया वो मुझे समझ में आ गया। देखो बच्चों रिवीजन करना जरूरी है, साथ में रिवाइज करोगे ना तो याद होगा। तो अभी तक बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कॉम्पिटिशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मार्केट सबके लिए ओपन रहता है, कोई भी आकर मार्केट में अपना धंधा पानी कर सकता है। नीड इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो बायर्स जो है उनको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, अच्छी एफिशिएंसी का प्रोडक्ट मिलता है और हेल्दी कंपटीशन फायदेमंद रहता है। पहले MRTP एक्ट 1969 में आया था, लेकिन वो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखकर लाया गया था, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लाया गया था, सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस करने को ध्यान में रखकर लाया गया था। लेकिन जब 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए, ग्लोबलाइजेशन आ गया और इंडिया के अंदर भी बाहर की कंट्रीज आकर अपना बिजनेस करना स्टार्ट हो गई, तब हमें महसूस हुआ कि हमें एक ऐसे लॉ की जरूरत है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सके, और तब जाकर बच्चों कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया। ऑब्जेक्टिव्स कंपटीशन एक्ट 2002 के चारों मैंने बताए, और इनको कंट्रोल करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, मैनेज करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अथॉरिटी 2003 में बनाई गई, और ये एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया था वो हमने सॉल्व कर ही लिया। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके पास कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कंपनी और कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट के अंदर प्रोविजंस को मानता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, इसका हेडक्वार्टर सेंट्रल गवर्नमेंट जहां चाहे वहां रख सकती है, अदर ऑफिस भी जहां चाहे वहां रख सकती है। इसके अंदर कम एक चेयरपर्सन होता है, कम से कम दो मेंबर, मैक्सिमम छह, दो से कम नहीं हो सकते, छह से ज्यादा नहीं हो सकते, इतने मेंबर्स होते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इनको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी एक फील्ड में, और ये होल टाइम बेसिस पर अपॉइंट किए जाते हैं। सर आ गया सर समझ में, सर क्वेश्चन करवा दो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, करवा देते। ध्यान से देखो, बहुत ईजी है, June 2019 में आया था बच्चों, बहुत ईजी। मिस्टर जूपी
एक मिस्टर जूपी नाम के इंसान है। अच्छा, मेरे पास बहुत बार ऐसे भी आता है बच्चों का कि सर ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना सर, हमें कभी कभी तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता सर। हम जब स्कैनर पढ़ते हैं ना सर, तो हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तो वो समझ में आता नहीं है, उसका आंसर पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि ये तो हमें पहले से आता था। तो अच्छे से पढ़ो उसको, क्वेश्चन को ना आप तोड़ तोड़ के पढ़ो। आप एक ही बार में पढ़ देते हो पूरे क्वेश्चन, तोड़ तोड़ के पढ़ो, एक एक शब्द का मीनिंग निकालो, क्वेश्चन का मतलब आ जाएगा आपको समझ में। देखो, मिस्टर जूपी वॉज अपॉइंटेड, मिस्टर जूपी को अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर, एक मेंबर की पोजीशन पे। तो मिस्टर जूपी को मेंबर की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया सीसीआई के अंडर, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, आ गया समझ में पहली बात। उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल बिजनेस की फील्ड में 12 साल का। ना 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 ना, यही क्लिक कर लो, यही क्लिक कर लो। अभी अभी क्या बोला, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? कम से कम 15 साल। इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 12 साल, विच इज नॉट अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन। सही बात है, क्वालिफिकेशन नहीं है प्रॉपर, क्योंकि कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पॉइंटिंग आउट दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को मिस्टर पी के नाम के आदमी ने पकड़ लिया और इसे पॉइंट आउट करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उसकी ना खुद की एक दुश्मनी चल रही थी सीसीआई के साथ। हुआ क्या था, मैं तुम आपको बताऊं पूरी कहानी की तरह, इस क्वेश्चन को समझाऊं। तो पी के नाम का एक आदमी था, उसने कुछ गड़बड़ी की होगी कभी, तो सीसीआई ने उसको और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बाहर निकाल दिया और बचाए से। उस वक्त तो वो चुपचाप निकल गया, लेकिन बाद में उसने देखा कि जूपी नाम के एक बंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीसीआई के अंदर अपॉइंट किया, जिसको सिर्फ 12 साल का एक्सपीरियंस है। उसने ये बात पकड़ ली, बोला अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं छोड़ूंगा, और उसने इस पॉइंट डिफेक्ट को पॉइंट आउट कर दिया। अब आपको यह बताना है कि क्या मिस्टर पी के जो है वो सक्सीड करेगा? तो आपका आंसर होगा यस, हाँ जी बिल्कुल सक्सीड करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि सेक्शन 8 के हिसाब से जो भी पर्सन चेयरपर्सन या मेंबर बनता है उसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिस्टर जूपी को सिर्फ 12 साल का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मिस्टर पीके के द्वारा उठाया गया ये कदम एकदम सही है और उनको सक्सेस मिलेगी और मिस्टर जूपी को हटाया जाएगा। आगे समझ में यहां तक? बड़ा ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर से रिलेटेड। एक तो हमने पढ़ लिया कंपटीशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट में सब कुछ ओपन रहता है। उसके अलावा कंपटीशन जरूरी होता है, उसके अलावा कंपटीशन एक्ट क्यों आया, उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सीसीआई जो है वो एंश्योर करते हैं और पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, इसके अंदर चेयरपर्सन और मेंबर कम से कम दो, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होते, 15 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहां तक स्टूडेंट्स हम लोग अपना चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आगे की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात मैं आप लोगों को बहुत ही ध्यान से बता देता हूं, बहुत अच्छे से समझ रहे, ठीक है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बोला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं मेरी टीम के पास में कि सर हमें आपकी क्लासेस परचेज करनी है। तो बच्चों आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप परचेज कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम जो है वो आपको रिप्लाई दे देगी। बच्चों हमारी जो क्लासेस है वो बड़ी ही नॉमिनल फीस होती है उनकी, बहुत कम फीस पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमने एक बार क्लासेस भेज दी तो हमारे बच्चे से मतलब नहीं रखते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बाकी इंस्टीट्यूट की तरह ऐसा नहीं करते, बल्कि जब बच्चे के पास क्लास गई तो हर संडे को उसका टेस्ट होता है, एवरी संडे उसका एक टेस्ट लिया जाता है, प्लस वीक में 3 टाइम्स, एक सप्ते में 3 दिन, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे। मंडे में 3 दिन उसका क्वेरी ली जाती है जूम पर, उसको उसके साथ में फेस टू फेस प्रॉपर मीटिंग, जैसे हम सामने बैठे हुए हैं वैसे मीटिंग होती है, और उसकी जितनी क्वेरीज है सबकी सब क्वेरीज सॉल्व करी जाती है। नोट्स प्रॉपर दिए जाते हैं, इजी फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं। तो बच्चों
अगर आपको क्लासेस चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको सब कुछ बता देगी। चलिए, तो हम कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ रहे थे, आज की क्लास में इतना पढ़ लिया था, बाकी का अब हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।